कोरोना वायरस की महामारी का अंत लाने की कोशिश के भाग रूप वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जन जागृति कार्यक्रम किया गया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक की आयुधारित वैसे नागरिकों को अनिवार्य रूप से कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए अपील करते हुए प्रदर्शन किया था। कोरोना वायरस की महामारी वैश्विक बनने के साथ अब जटिल और काफी विकराल और घातक बन चुकी है, जो ये वायरस के संक्रमण में हर रोज हजारों लोग संक्रमित होते हुए कहीं न कहीं मौत के हवाले हो रहे हैं। तो वहीं राज्य सरकार द्वारा ये कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन से बचने के लिए एकमात्र उपाय वैक्सीन तथा मास्क पहनने को बताया गया है। जहां राज्य भर में जारी किए गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत 1 मई से 18 वर्ष की अधिक की आयुधारित वैसे नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया है, जहां वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा आज कोरोना वैक्सीनेशन जन जागृति कार्यक्रम अंतर्गत विशेष अभियान में जुड़ते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 18 वर्ष से अधिक की आयुधारित वैसे नागरिकों को कोरोना वैक्सीनेशन का उनका तबक्का और उनका चरण शुरू होने वाला है। ऐसे में शहर कांग्रेस द्वारा डांडिया बाजार चौराहे स्थित बदामड़ी बाग के पास वैक्सीनेशन के बारे में जन जागृति अभियान जारी किया था। 2 बूंद वैक्सीन के हारेंगे कोरोना को वैसे सूत्र के साथ कोरोना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्ले कार्ड्स और बैनर्स के साथ कोरोना वैक्सीनेशन का डोज लेने के लिए अपील की गई थी। पिछले लंबे वक्त से कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में अफवाह बनी है, तो वहीं गैर मान्यता और अफवाहों को रोकने और जलमूल से नाबूद करने के लिए वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा ये अनोखा पहल कार्यक्रम किया गया, जहां अफवाहों में नहीं फंसते हुए ये वैक्सीनेशन पूरी तरीके से संपूर्ण और सुरक्षित है। वैसे जन जागृति लाते हुए आज वडोदरा शहर कांग्रेस के प्रमुख प्रशांत पटेल, कॉरपोरेशन के पूर्व विपक्षी नेता कांग्रेस के प्रवर्तमान काउंसिलर वैसे चंद्रकांत श्रीवास्तव सहित कांग्रेस के नगर सेवक और कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में बैनर्स प्लेकार्ड्स के साथ लोगों को अनिवार्य रूप से वैक्सीन लेने के लिए अपील करते हुए आह्वान किया था। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जी रीते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मनमोहन सिंह थी मारी राहुल जी केन्द्र सरकार ने विनती करी थी कि वैक्सीनेशन कराओ, और जेने लईने भारत देश प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन की जाहरात करी 18 वर्ष ऊपर तमाम ने पहली तारीख थी वैक्सीनेशन मळशे। एटले वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा तमाम लोग अपील करे छे के 18 वर्ष ऊपर तमे वैक्सीन लेजो, कारण के भूतकाळ में कांग्रेस शासन में अमने याद छे कांग्रेसे ज्यारे वैक्सीनेशन करायुं त्यारे पोलियो शीतळा हड़कवा टीबी जेवा रोग ने हराव्या हता। એટલે કોંગ્રેસ વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ વડોદરા શહેરની જનતાને અપીલ કરે છે અને એક અભિયાન લઈને નીકળી છે, કોરોનાથી બચવું હોય તો એક જ વિકલ્પ છે કે દરેકને વેક્સિન, એ જ કોંગ્રેસનો સંકલ્પ છે। भारत नो इतिहास जोशो तो घनी बड़ी बीमारी जेम के पोलियो छे, टीबी छे वगैरह ने अपने मात आपी छे वैक्सीनेशन द्वारा। सरकारे तमाम रोगों में मफत वैक्सीनेशन ना प्रोग्राम्स कर्या छे, एज रीतना कोरोना नु अत्यारे जारे महामारी कूदके भूतके वधी रही छे, वर्ल्ड में हाईएस्ट केसीस हाईएस्ट डेथ अत्यारे इंडिया में नोंधाई रह्या छे, एवा समये गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट है कि तमाम ने वहली तके वैक्सीन पूरा पाड़े, वैक्सीनेशन करावे ने लोगों ने भी आज जनजागृति रूपे अमे अहीं अभियान स्टार्ट कर्यु छे कि आ कोरोना नी महामारी सामे जारे मेडिकल सिस्टम क्रेश थई गई छे, ऑक्सिजन रेमडेसिविर कोई सुविधाओ नथी पहुंची वड़े एवी कोई शक्यता भी नथी, रोज मृत्युदर वधी रह्यो छे, तारे स्व बचाव माटे एकमात्र विकल्प छे 2 डोज वैक्सीनेशन ना लो, तमाम जागृत थाओ, पोते जागृतता फैलाओ, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अने वैक्सीनेशन, दिस इज द ओनली वे आउट।